नमस्कार जी, और आज हम आपको बताएंगे दो महत्वपूर्ण खबर कैस्टर और जीरे के ऊपर। जिस तरह से मार्केट एक्शन में आया है, अब आपको यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट भी इसको लेकर के बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बंपर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा अगले 6 घंटे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बंपर कॉल है कच्चा तेल, जहां पर 3190 के भाव पर बिकवाली की सलाह है। 3120 का टारगेट होगा और 3240 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, नेचुरल गैस 200 के भाव पर आप बेचें, 194 का टारगेट होगा और 203.50 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, जिंक 187 के भाव पर आप बिकवाली करें, 184 का टारगेट होगा, 189 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। खबर यह है कि आज कैस्टर सीड और जीरा के वायदा कारोबार में जोरदार तेजी आई है। आपको बता दें कि आज जबरदस्त तेजी के साथ ही दोनों काउंटर में ट्रेड हुआ है और NCDX पर कैस्टर सीड का भाव 4900 रुपए प्रति क्विंटल के पार चल जा चुका है। करीब 3% की तेजी आई है आज कैस्टर में। और इसके अलावा अगर बात करें जीरे की, तो जीरा वायदा आज करीब 4% तक उछल चुका है, 18000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब भाव पहुंचा है। जबरदस्त तेजी इन दोनों काउंटर में आज यहां पर देखने को मिली है। हमारे साथ बातचीत के लिए कैस्टर ट्रेडर मेहुल अग्रवाल है पालनपुर से, और साथ ही हमारे साथ दिनेश सोमानी है इंटेली ट्रेड के मुंबई। डिमांड का सिलसिला रहा तो जून तक ये कुछ अच्छा ही नया भाव दिखा सकता है बाजार। पिछले एक्चुअली में क्या ये डिमांड जो टिबासिक के वजह, ये इनके चाइना के प्लांट बंद है और जनवरी फरवरी में माल डिमांड बहुत कम रही, और अभी डिमांड एकदम चाइना वाले ने $1580 ऊपर में आज $1620 तक के व्यापार हो गए। ओके, तो ये मेरा ये मानना है कि NCDX तो अभी भी जनरल हाजर के पीछे चल रहा है, NCDX के पीछे हाजर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली ये काउंटर काफी स्ट्रांग है, फिर तो इस काउंटर में अगले कुछ दिनों में गिरावट नहीं आनी चाहिए। सर गिरावट का तो ऐसा है कि अभी तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और चाइना की डिमांड भी बहुत अच्छी है। हाँ। पर बाजार के हो सकता है कि ऊपर जाके थोड़ा बहुत करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। नहीं, थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक ठीक है, लेकिन जब 4-4% का लोअर सर्किट लगातार लगता है, तब कहीं ना कहीं बाजार के फंडामेंटल पर या फिर बाजार की चाल पर आशंका यहां पर जाहिर होती है और उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश सोमानी, क्या लगता है आपको, जो तेजी आई है ये तेजी अभी सस्टेनेबल है कैस्टर सीड में, और जो लोग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं क्या उनको आप ये सलाह देंगे कि अभी भी वो मार्केट में बाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, अगर आप पिछले कुछ दिनों से अगर देखते हो कैस्टर सीड को, तो इसका डेली वॉल्यूम फर्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट या अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ मैं, तो इट इज मोर देन 1 लाख टन, 1 लाख टन से करीब करीब इसमें डेली वॉल्यूम हो रहा है। और ओपन इंटरेस्ट की बात मैं करूँ तो आज भी ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है इसमें, निरंतर बाइंग इसमें आप कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। और आज की पर्टिकुलर टेक्निकली स्पीकिंग में आज की अगर कैंडलस्टिक कहूँ तो ये वाइट मोरोबोरो बनी है, मतलब जो इसका ओपन था वो लो है और हाई जो था उसका क्लोज है। एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल हम इसे मानते हैं, और जब भी उस स्तर पर गया ऐसी कैंडल बनकर आती है तो नॉर्मल टू डेज कंटिन्यूस ऐसी तेजी बनी रहती है। तो मेरी सलाह अभी भी यही रहेगी सर कि जो भी बनी पोजीशंस है, बाइंग पोजीशंस आप कंटिन्यू रख सकते हो एटलीस्ट फॉर 2 मोर डेज। तो टारगेट क्या होगा आपका दिनेश कैस्टर में इमीडिएट? बिल्कुल सर, मैं 2 दिन का टारगेट इसका मानता हूँ, प्रॉबेबली मंडे या ट्यूजडे तक के 5190 के इसमें ऊपर में टारगेट देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो इंटरमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग लेवल जो रहेगी वो रहेगी 5020 और 5110, यहाँ पर कुछ हद तक के इसको रेजिस्टेंस फेस करना होगा, लेकिन विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई एक्सपेक्ट मार्केट टू मूव टू 5190। ओके, मेहुल अग्रवाल, आप कैस्टर के प्राइस को 1 महीने के अंदर कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं? सर 1 महीने के अंदर मेरे को ये जल्द ही 5500 रुपया लग रहा है और आगे जाके इसका फ्यूचर और भी ब्राइट लग रहा है मेरे को, आगे जाके माल में बड़ी शॉर्टेज क्रिएट होगी ऐसा लग रहा है। ओके ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। दिनेश सोमानी, आपकी राय जीरे के ऊपर क्या होगी? आज कैस्टर के साथ साथ जीरे की कीमतों में भी जोरदार तेजी आई है, 4% तक दाम बढ़े हैं, 18000 के करीब पहुंच चुका है भाव। क्या आपको लगता है कि जीरे की तेजी अभी थमने वाली नहीं है?
जी सर, मैं इसी बात ये कहना चाहूंगा कि जीरे का अगर पिछले आप दो दिन का वॉल्यूम देखो, पहले दिन 8000 करीब 8000 टन का वॉल्यूम था, कल भी 8000 टन का वॉल्यूम था, और आज अगर इसका वॉल्यूम देखे जाए तो करीब करीब 15000 टन का वॉल्यूम है। मैं अप्रैल के अंदर की बात कर रहा हूँ। पहले वॉल्यूम होता था करीब करीब 4000 टन 4500 टन, वॉल्यूम में एकदम से जो ज्यादा आया है, और आज अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो करीब करीब 30% ओपन इंटरेस्ट उसमें बढ़ा हुआ है, मतलब 30% न्यू एंट्रेंट उसमें भी एंट्री किए है। 17400 का एक जो मेजर रेजिस्टेंस था, जो बार बार बाजार जहाँ से नीचे आ रहा था, वो आज वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, और 4% का सर्किट लगा है इसमें। एक्सपेक्ट वॉल्यूम मतलब अगले दो दिनों में भी इसमें वॉल्यूम में इजाफा होगा, और बाजारों में भी वृद्धि होते 18200 का मैं टारगेट इमीडिएट देखता हूँ, और 18200 से रिट्रेस होकर 18600 दोबारा जाने का। लेकिन दिनेश सोमानी, इस बार जीरे का उत्पादन काफी बढ़ने वाला है और करीब 58 लाख बोरी उत्पादन का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 16 लाख बैग ज्यादा है। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आप नहीं देख पा रहे हैं लॉन्ग टर्म में? जी बिल्कुल, मैं उत्पादन ज्यादा होगा ये हो सकता है, पर सबसे बड़ी जो देखने वाली बात होती है ये होती है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स, जो मैं काफी कम मानता हूँ और अभी तक के स्तर पर सबसे कम मैं देखता हूँ। उत्पादन के साथ साथ हम जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज जो यूज करते हैं और जो देखते हैं, वो होता है स्टॉक टू यूज रेशियो, मतलब कितना स्टॉक बचा है और उसका डिमांड कितना है। जी जी ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रेशियो है ये सबसे कम स्तर पर था 2013-14 में, जो करीब 18% का स्टॉक टू यूज रेशियो। उसके बाद ये बढ़कर 29% 23% हुआ है, दिस ईयर ये करीब करीब सिर्फ 19% रह जाता है, मतलब जो तेजी 2012-13 में आई थी उससे बड़ी तेजी आने के चांसेस बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सोमानी आपका और मेहुल अग्रवाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, कैस्टर और जीरे के ऊपर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।